Krishna viewers. Welcome to my channel Astro Divine Power. I am Kiran Grover. Today I want to discuss regarding the number 456 in numerology. जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो है 4-5-6 नंबर ये एक राजयोग को दर्शाता है. This is known as a golden line. अब आपको ये देखना है कि आपके ग्रिड में, लोशो ग्रिड में 4-5-6 अगर अंक आता है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए एक पेन और पेपर लेकर और आप इस चीज को आप फाइंड आउट करिए कि आपकी ग्रिड में ये राजयोग है या नहीं है. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन को हिट करिए और इसको लाइक एंड शेयर करिए. नाउ कम टू द पॉइंट. लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए अपनी, उसमें आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 24/2/1965. इस डेट में आप देखिए, अगर हम इसमें ग्रिड में भरेंगे तो जो लोशो ग्रिड है उसको हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको हम कुंडली बोलते हैं, न्यूमरलो कुंडली बोलते हैं. तो उसमें देखिएगा एक सेट पैटर्न होता है जिसमें कि मैंने पहले भी बताया था 3 वर्टिकल लाइंस होती है और 3 इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है. और इसके साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो 2 डायगोनल लाइंस है जो कि राजयोग को दर्शाती है. एक है गोल्डन लाइन और दूसरा है सिल्वर लाइन. 24 में 2 आएगा उसको फिल करिए, 4 देन फेब्रवरी 02 तो आप 2 फिल करिए, देन 1 को उसके प्लेस पर लेके जाइए, 9 को जहां पर प्लेस है वहां लेके जाइए, 6 एंड अगेन देन 5. तो आप देखेंगे इस ग्रिड के अंदर 4-5-6 का एक डायगोनल लाइन बन रही है जो कि अपने आप में एक राजयोग शो करता है. अब मैं आपके पास ये जो चर्चा का विषय है मेरा राजयोग का, इसको देखते हैं. देखिए 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को. राहु क्या है? धुआं. धुआं जो कि आप देखिए, धुआं आपकी मुट्ठी में बंद नहीं रह सकता, आकाश की तरफ उड़ जाएगा. इसी तरह से जो राहु है वो एक विस्तार है, एक्सपेंशन का कारक है. और जो लोगों के ग्रिड में 4 नंबर आता है, स्काई इज द लिमिट फॉर देम. उनको ये फाइंड आउट करना है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है और कैसे वो अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं. तो जिनका अगर 4 अंक है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, मैं ये कह सकती हूँ कि कलयुग के लिए 4 नंबर आना सबके ग्रिड में बहुत ही जरूरी है. अब देखिए ग्रिड में जो दूसरा अंक है जिसको हम लेंगे वो है नंबर 5. जैसे कि 5 जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बुध का नंबर है और बुध कारक है वाणी का और हमारे कम्युनिकेशन स्किल का, हमारे इंटेलेक्ट का. जिनका बुध बहुत अच्छा है या ग्रिड में 5 आता है, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो है उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, दूसरे लोगों से बहुत इंटरेक्टिव होंगे, राइटिंग स्किल्स बहुत से अच्छे होंगे इनके. ऐसे लोग जनरली राइटर होंगे. ये आप देखेंगे जिनका अगर 5 नंबर है, जो भी राइटिंग स्किल्स हैं वो आपको 5 नंबर वाले जो ग्रिड में होते हैं उनके चांसेस कंपैरेटिवली बेटर दिखेंगे. इसलिए आप देखें नेक्स्ट है हमारा जो नंबर है 6. 6 है नेम, फेम, लग्जरी. आप शॉपिंग करेंगे, आप पार्टी करेंगे. 6 नंबर जो है हमारे सक्सेस को शो करता है, फेम को शो करता है. तो अगर आप देखें तीनों को अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें 4-5-6 का, तो 4 है धन का, 5 है परिवार का, 6 है सुख का. अब इंसान को चाहिए क्या लाइफ में? आपके पास धन भी है, परिवार भी है और सुख भी है. तो ये ग्रिड अपने आप में आपको एक लाइफ में एक बहुत ही सुकून वाला एक अंक जो है आपको मिलता है 4-5-6 से. अब इसके बाद देखिए जिनके ग्रिड में 4-5-6 नंबर आता है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है. इसमें ऐसे लोगों का स्टार्टिंग में ऐसे लोग देखेंगे आप तो बहुत शाई नेचर के होते हैं. वो शाई नेचर के नहीं भी हैं तो वो थोड़ा सा जो है उनकी जिंदगी में इतना निखार नहीं दिखाई देगा आपको. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ही जानी मानी फिल्म हस्ती रेखा को देखिए. उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आप देखेंगे बहुत ही जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा अगर आप देखेंगे तो. इसी तरह से 4-5-6 के जो लोग हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनका केयरिंग हो जाएंगे, बहुत शालीन हो जाएंगे, रेपुटेड हो जाते हैं सोसाइटी में, लोग उनसे सलाह लेने आते हैं और बहुत पॉपुलर हो जाते हैं ऐसे लोग. और वो हमेशा दुनिया, जनरली आप देखेंगे दुनिया अपने बारे में सोचती है लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं. अब जो कि ग्रिड में 4-5-6 नंबर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि पूरे इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो 20% लोगों की ग्रिड में 4-5-6 नंबर आता है. इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं जो दुनिया चल रही है
वो हम कई बार ऐसे बोलते भी हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अगर खराब है तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व वाले लोग आपको मिलेंगे जिनका 4-5-6 है। ऐसे लोग कभी भी सैलरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं और कभी भी जॉब की परवाह नहीं करेंगे और सैलरी या पैसे के लिए वो कभी भी पीछे नहीं भागेंगे। इनकी सोच, इनका सोचने समझने का ढंग दूसरों से अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी ग्रिड में 4-5-6 है। अपने प्रोफेशन के अलावा उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं कुछ सेल्फलेस सर्विसेज करूँ, सोसाइटी के लिए गरीब लोगों की मदद करूँ। इसी तरह से अगर कोई टीचर है तो उसको ये रहेगा कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ ताकि मैं अपने शिक्षा का ज्ञान दूसरे लोगों तक फैलाऊँ। और ऐसे लोग अगर जैसे पढ़ाते हैं, अगर टीचर हैं तो वो दिल से पढ़ाएंगे और अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स को देंगे। तो इसमें क्या है कि वो लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, अपने ग्रिड को भरकर देखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी उसमें जो डायगनल लाइन है जिसको कि हम सिल्वर प्लेन कहते हैं या राजयोग 2 कहते हैं, वो है अंक 2, 5, 8। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप तैयार रहिए। कुछ लोग जो अपना कमेंट देना चाहते हैं वो दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए कमेंट में। और हर डेट ऑफ बर्थ जो भी आप कमेंट करेंगे उसमें से रेंडमली एक डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी और उसका उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में 5 मिनट के लिए चर्चा भी करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं जल्दी हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।